नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और थाने में प्रैक्टिस करती हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए इस सेक्शन में मैं आज आपको एडिक्शन यानी व्यसन या फिर हम बोलते हैं लत, उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो व्यसन यानी क्या है कि नशा करने की शारीरिक या मानसिक जरूरत और जरूरत उस तीव्रता की कि उससे करने के लिए मनुष्य या व्यक्ति कोई भी हद तक जा सकता है। अब एडिक्शन के दो प्रकार हैं, एक यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स, या सिर्फ सेकंड में मेंटल प्रॉब्लम्स। अब फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या दिखते हैं, एक है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी समय के रहते उस नशे की जो जरूरत है वो बढ़ती जाना और वो इफेक्ट पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नशा करने की जरूरत पड़ना। अगर हमें दारू जो अगर लेते हैं तो उनको अगर क्वार्टर से फर्क पड़ता है या फिर वो नशा चढ़ता है तो कुछ दिनों बाद हाफ बॉटल या फुल बॉटल लेने से भी वो नशा नहीं चढ़ता। या फिर अगर किसी को नींद की गोली लेने की आदत है तो अगर एक गोली से नींद आती है तो कुछ दिनों बाद, महीनों बाद या सालों बाद एक गोली कम पड़ती है और दो चार पांच गोलियां लेना जरूरी हो जाता है, तब कहीं जाके उनको नींद आता है। या चाय पीने वाले लोग शुरुआत में अगर दो कप दिन में लिए तो भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में 8-10 कप लेने के बाद भी वो इफेक्ट नहीं आता, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। दूसरा है विड्रॉल। अगर नशा नहीं किया या नशा नहीं मिला तो उसकी वजह से शरीर में कुछ लक्षण हमको दिखते हैं, उसको विड्रॉल कहते हैं। जैसे आप कोकेन लेने वाला व्यक्ति अगर है तो अगर वो नहीं ले तो उसके आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, या फिर दस जिसको बोलते हैं लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं। अफीम लेने वाले इंसान को पेट में सिवियर क्रैम्प्स आने लगते हैं। चाय अगर ना मिले या कॉफी की जिसको आदत है उसको अगर ना मिले तो हेडेक या रेस्टलेसनेस शुरू हो जाता है। तंबाकू या सिगरेट लेने वाले आदमी को अगर ना ले तो कॉन्स्टिपेशन होना, रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन दिखता है। ये हो गया विड्रॉल। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चार चीजें हैं। एक यानी क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर टू गेट द सब्सटेंस। इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो वक्त में उसे कुछ भी दिखता नहीं है सामने और वो पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब काफी लोगों में आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, स्वीट्स खाने की क्रेविंग होती है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ नशे के क्रेविंग के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है कि सब्सटेंस टेकिंग प्रायोरिटी ओवर अदर थिंग्स, यानी नशा करना ये इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है, प्रायोरिटी हो जाती है उसके आगे। ना उसको फैमिली दिखती है, ना भाई बहन दिखते हैं, ना जॉब दिखता है, ना सोसाइटी दिखती है, बस नशा ये एक ही चीज उसके आंखों के सामने होती है। तीसरा है ने मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद या होने वाले हो तो भी नशा करना नहीं छूटता। काफी लोग हमने देखे हैं कि जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनको पैरालिसिस अटैक आ चुका है, उनको डॉक्टर साफ बोल देते हैं कि आपने नशा करना पूरी तरह बंद करना चाहिए, नहीं तो आपकी जान पे बन सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग नशा करना नहीं छोड़ते। और चौथा यानी कोई भी नशा करने के वक्त उनको इतनी इच्छा होती है कि उन्हें बाकी कुछ चीजें याद ही नहीं आती। उनकी मन से बहुत इच्छा होती है छोड़ने की, लेकिन वो वक्त आ गया कि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं और वो कुछ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मन से
कुछ कुछ नशा ऐसा होता है कि शारीरिक लक्षण कुछ नहीं दिखते, लेकिन मन से वो चीज वो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। अब इसके क्या कारण है? एक यानी जेनेटिक यानी अनुवंशिक। अगर हम पूछे किसी व्यक्ति से तो हमें शायद ऐसा पता चले कि उनके घर में पेरेंट्स यानी पिताजी या फिर अंकल मामा जी इनको नशे की आदत है। काफी लोगों को अगर हम पूछे तो हमको ये जानकारी मिलती है। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी स्ट्रेस की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से, घर के कलह क्लेश की वजह से, घर में अगर प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स है, तो उससे भागने के लिए व्यक्ति नशे का सहारा लेता है और उसमें फिर धीरे धीरे डूबता चला जाता है। तीसरा है कोमॉर्बिड मेंटल इलनेस, यानी किसी व्यक्ति को अगर मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्री प्रॉब्लम है, मानसिक तकलीफ है, तो उसमें व्यसन करने की इच्छा बढ़ जाती है या उसकी व्यसन उसका व्यसन बढ़ जाता है। अब ये व्यसन क्यों लगता है? एक बार करने से उस व्यक्ति को, नशा करने से एक बार उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेजर, और वो एक बार प्लेजर मिलने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो प्लेजर इफेक्ट है वो मुझे वापस मिले, और वो थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे ही वो इफेक्ट उतर जाता है उसको लगता है कि वो वापस मुझे इफेक्ट मिले, और वो करता ही चला जाता है और वो नशा उसकी आदत बन जाता है, उसको लत लग जाती है। अब किस किस प्रकार के व्यसन हमको देखने को मिलते हैं? तो चाय कॉफी एक व्यसन है, दारू एक व्यसन है, या फिर तंबाकू सिगरेट ये एक व्यसन है, ओपियोइड्स जिसमें आता है हीरोइन कोडेन स्मैक ये व्यसन है, कैनेबिनॉइड्स जैसे चरस गांजा भांग हशीश, एम्फिटामिन्स एक प्रकार का व्यसन है जिसमें एमडीएमए आता है, मेथ जिसको बोलते हैं, एलएसडी एक व्यसन है, इनहेलेंट्स होते हैं जिसको सूंघते हैं, ये बच्चों में काफ़ी पाया जाता है, तो हैंकी पे लेके या कपड़े पे लेके वो लोग उस कोई भी जैसे पेट्रोल है या फिर फेविकॉल है या फिर ग्रीस है ऑयल है, ये चीज़ों से एक नशा चढ़ता है, एक किक मिलता है, और वो नशा पाने के लिए वो बार बार ये सूंघते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में एडिक्शन के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में एडिक्शन पार्ट टू में मैं आपको शरीर पे और मानसिकता पे एडिक्शन का क्या क्या असर होता है और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी दूंगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में अच्छी जानकारी पहुँचे और उनके मन से मानसिक बीमारियों को लेके जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। नमस्ते।